और कोच है, ये बर्न हुई भी नजर आ रही, ये भी यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आया है। ये कौन सी जगह? सारी चीजें वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने के बाद जो उनकी फाइनल असेंबली होती है, दैट इज द असेंबली फिक्चर। वुड मशीन शॉप का आपको बोर्ड नजर आ रहा है। CFI के अंदर फैब्रिकेशन बे 1 के अंदर आए हुए हैं। यहाँ क्या क्या काम होता है? अभी तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे जो सीट पैड लग रहे हैं, आप इसमें बिल्कुल प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है। आप देखें, आपको जो मफूजी से नजर आता है कि ये वेल्डिंग नजर, ये आपको फ्लोर इसका डैमेज हुआ नजर आ रहा है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं इसी तरीके से, जितने स्मॉल पार्ट्स हैं सारे वो सारे यहाँ पे इस शॉप में मैन्युफैक्चर होते हैं। फाइनल असेंबली शॉप के अंदर है आए हुए। ये आपको सामने कोच नजर आ रही है 11417। ये आपको बाइक नजर आ रहा है, ये फुली रिफर्बिश्ड कोच है इकोनॉमी क्लास की। कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद आज मैं आपको लेके आया हूँ। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस किस्म की कोचेस बनती हैं और कैसे काम होता है। बेसिकली यहाँ पे पैसेंजर कोचेस जो हैं वो रिहैबिलिटेट भी हो रही हैं और न्यू मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो आपको मैं CFI इस्लामाबाद लेके जाऊँगा और आपको अंदर के हालात और अंदर काम करते हुए लोग और कोचेस किस हालत में यहाँ पर बन रही हैं वो दिखाऊँगा। तो आप मेरे साथ रहें। ये अभी हम CFI के अंदर फैब्रिकेशन बे 1 के अंदर आए हुए हैं। तो ये साग साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है। यहाँ पे ये ओल्ड कोचेस जर्मन मुझे नज़र आ रही हैं, ऑब्वियसली ये रिस्टोर होने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, पर इसका प्रोसेस कैसे होता है और क्या काम हो रहा है वो हमें साग साहब जो हैं वो बताएँगे। तो सर ये आप बताएँ ज़रा हमें इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम जो ओल्ड कोचेज होती है उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं। ये कोच खड़ी हुई है मेंटेनेंस के लिए आई हुई है, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? बेसिकली ये जर्मन कोच है, ये वो कोच है जो अपनी इकोनॉमिकल लाइफ कंप्लीट कर चुकी है, 35 to 40 ईयर कंप्लीट कर चुकी हैं। उसके बाद अब ये यार्ड में या कहीं स्टेबल होती है, दैट इज़ आउट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में वर्क नहीं कर रही होती। अब ये हमारे पास आती है फॉर रिहैबिलिटेशन, ये हमारे पास आती है। अब कोच हमारे जब आती है इस कंडीशन में होती है। इसको हम अंदर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फ्लोर भी इसका सारा जो है वो बनेगा, ये सारी रिस्टोर होने के लिए आई हुई है यहाँ पे कोच। ये बेसिकली इस कंडीशन में कोच आती है। अब हमने इसका जो स्कोप ऑफ वर्क मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसकी साइडें कटती हैं, ये साइडें हम कंप्लीट काट देते हैं। साइडों के बाद ये जिस पर आप फ्लोर खड़े हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी होती है 35 to 40 ईयर, सही है। उसके बाद ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये फ्लोर, ये लेबोरेटरीज, ये सारी कटती है। उसके बाद इसकी छत, जो रूफ जिसे कहते हैं हम, ये रिपेयर होती है, 20 to 30% रिपेयर होती है। फिर उसके बाद ये फ्लोर जिसके ऊपर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अंडर फ्रेम, नीचे से आपको दिखाएंगे, वो 40 to 50% रिपेयर होता है। अच्छा, ये सारा काम एक कोच अगर यहाँ पे बनानी हो तो कितना टाइम लगता है यहाँ पे? ये हमारी यहाँ पे मंथली प्रोडक्शन है 10 coaches per month, 10 coaches per month जो हम अनाउंस कर रहे हैं 11 to 12 coaches की तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हम उसको करेंगे। लेकिन जो बेसिकली ये डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसकी, दैट इज 10 coaches per month, 120 per annum। ये आपको फ्लोर इसका डैमेज हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मेंटेनेंस के लिए CFI इस्लामाबाद में आई हुई है ये कोच। ये लोग इसको भी टोटली रिस्टोर करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे साइड वॉल कटिंग हो रही है कोच की, ये आपको शॉर्ट में भी नज़र आ रहा होगा। इस साथ बताएंगे कि यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है अभी? ये जो आपने वो कोच देखी है उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इसकी साइड वॉल काटते हैं। ये स्टेप बाई स्टेप हम काट रहे हैं, ये देखिए ये बना कटाई कर रहा है, अब ये साइड वॉल हो रहा है, अब ये कटिंग कोच हम आपको दिखाते हैं। ये साइड वॉल कटिंग शुरू हो गई है, पहले ये इसकी रूफ कट कर रहे थे, अभी साइड वॉल जो है वो कटिंग शुरू हो गई है। Thank you.
चाइनीज टोच एक आपको नज़र आ रही है, मेंटेनेंस के लिए आई हुई है CFI में। ये आपको नज़र आ रहा है इसकी वॉल जो है वो कट हो गई है यहाँ पे। ये फ्लोर कटिंग का सेक्शन है, तो इसहाक साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे काम होता है बेसिकली। इसहाक साहब बताएंगे। हाँ, ये जो पीछे आपने कोर्ट देखी है, अभी की साइड वॉल कट हो गई थी, अब अभी देखें कि साइड वॉल कट चुकी है, साइड वॉल कट हो चुकी है। साइड वॉल के काटने के बाद इसका ये फ्लोर आप देख रहे हैं, इसका फ्लोर काटते हैं, तो ये सारा फ्लोर कटा हुआ नज़र आ रहा है अभी, और बोगी नीचे सिर्फ नज़र आ रही है। हाँ, ये बेसिकली डमी बोगी पे होती है, ये हम डमी बोगी यहाँ पे जो काम करते हैं उस पर के लिए हमने बोगीज बनाई हैं। अच्छा, ये डमी बोगी ऊपर खड़ा है, डमी बोगीज एंड दीज आर यूज इन कैश फैक्ट्री ओनली, कैश फैक्ट्री के अंदर यूज होती है, ये बाहर यूज होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी साइड वॉल कुछ कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है आपको लगा हुआ, ये अब आप जहन में ये आता है कि ये पुराना है, ये बेसिकली हम कोर्ट के लिए देते हैं कि अगर पूरी हम सारी अगट्ठी काट लें तो कहीं गिर ना जाए। अब आप जब इसको छोड़ देते हैं फिर ये वाला पोर्शन इसे काट देते हैं, ये कंप्लीट साइड वॉल इसकी नहीं लगती है, जो हम आपको दिखाएंगे अभी जो तैयार हुई पड़ी है वो उठा के यहाँ लगा देते हैं। अब ये कोच आपकी जिस कंडीशन में आपने देखी थी, अब साइड वॉल कट के फ्लोर कट के अब ये आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अंडर फ्रेम। ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये सारा जो नीचे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अंडर फ्रेम है। दिस इज कॉल्ड अंडर फ्रेम, ये मुख्तलिफ इसके पोर्शन होते हैं। अब ये जो अंडर फ्रेम है ये हम 40-50% रिपेयर करते हैं, जहाँ से ये क्रोडेड होता है ख़राब होता है उसको हम चेंज करते हैं, इसके बीमर चेंज करते हैं, अंडर फ्रेम चेंज करते हैं, उसके बाद जो इसके पोर्शन होते हैं उसको हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद सफाई वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी लगाते हैं, पेंट का प्रोसेस होता है, ताकि टू प्रिवेंट दीज फ्राम रस्ट, रस्ट बचाने के लिए इसको पूरी कर। उसके बाद ये अब कोच कंप्लीट हो जाती है यहाँ से, उसके बाद ये कोच हम शिफ्ट कर देते हैं अगले अंदर प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं, जहाँ पे इसकी साइडें लगती हैं, इसमें फ्लोरिंग होती है, इसका इंटरनल सारा पोर्शन होता है, इसके अंदर लेबॉरेटरीज बनती हैं, ये सारा काम वहाँ पे होता है। अगर आप वो देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है। चलें आगे चल के हम वो देखते हैं। तो ये गाइस आपको अभी काफ़ी हद तक ये रिस्टोर हुआ हुआ एक कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, तो ये इसका बेसिकली प्लान है, ये इसकी ड्राइंग प्लान है बेसिकली, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है कंपार्टमेंट जो है वो काफ़ी हद तक रिस्टोर हो चुका है, तो अभी दिस इज कॉल्ड असेंबली फिक्सचर। अब साइड वॉल यहाँ पे हम फिक्सचर पे बनाते हैं, साइड वॉल एंड दो नए बनते हैं, फ्लोरिंग लगती है, आप देख लेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो ये फ्लोरिंग, ये सारा यहाँ पे ये असेंबल होता है, फाइनल जो कार बॉडी शेल बनता है वो यहाँ से असेंबल होकर बन के यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे हमारी ये जो काम कम्प्लीट होता है। इसका ये एक्सटीरियर पोर्शन, इसमें साइड वॉल लगती है, एंड लगता है, फ्लोरिंग होती है, इंटीरियर में फ्लोरिंग होती है, लवाटियाँ बनती हैं, पार्टीशन बनते हैं अंदर, यहाँ से ये आपका कार बॉडी शेल कंप्लीट हो गया, जो यहाँ पे फैब्रिकेशन में कंप्लीट हो गए, यहाँ से फिर मान नेक्स्ट विंग है जहाँ पे इंटरनल काम होता है फिनिशिंग विंग, वहाँ गाड़ी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा वासु साहब, ये बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ये मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक जो है कोच कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ क्या क्या काम होता है अभी? जी बिल्कुल, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये हमारे जो है ना सीट पैड लग रहे हैं। अच्छा, जो हमारी सीटिंग होगी जहाँ पे हमारे जो पैसेंजर्स होंगे जो उन्होंने बैठे होगा सीट, सीटिंग के माउंट लग रहे हैं बेसिकली, सीटिंग के पैड लग रहे हैं बेसिकली। कहाँ पे है वो? ये जो पैड है, ये वाला जो पैड है ये सीटिंग का पैड है, ये सीटिंग पैड है, सही है। इसी तरह ही हमारे यहाँ सब असम्बली, यानी कि आप कह सकते हैं सब असम्बली सेक्शन है, नहीं विंडो नहीं, ये बाकी जो प्लेट्स वगैरह लग रही हैं। अच्छा, ये भी सीटिंग के लिए हैं, इसी तरह हमारी प्लेट्स तक नहीं है जो फैंस वगैरह लगते हैं, बाकी जो भी लाइटिंग अरेंजमेंट होती है उसके लिए, तो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें लगती हैं। सही है, काफ़ी हद तक आपको कम्प्लीट हुआ हुआ यहाँ पे ये कोच नज़र आ रही है।
अभी यहाँ पे सीटिंग माउंट्स और ये दूसरे ब्रैकेट्स वगैरह जो हैं वो वेल्ड हो रहे हैं। अच्छा, ये भी साग साहब उसी तरह के ये साइड वॉल या रूफ का आई थिंक मुझे नज़र आ रहा है फिक्चर, तो ये कौन सी वाली बोगीज का है? ये जर्मन जो कोच है जो अभी आपने देखी है, ये उसका साइड वॉल का फिक्चर है। अच्छा। साइड वॉल यहाँ पे बनती है। साइड वॉल बेसिकली दो होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। ये साइड वॉल एक लेफ्ट है एक राइट है। ये यहाँ पे कंप्लीट शीटें जो आपने वहाँ पे सीम वेल्डिंग मशीन में देखी हैं वो शीट वहाँ से वेल्ड होकर यहाँ आती हैं। यहाँ ये यूनिट होते हैं, फिर हम यहाँ विंडो काटते हैं, विंडो बनाते हैं उसकी, और यहाँ पर ये साइड वॉल तैयार होती है। ये देखें, ये अब नेक्स्ट कोच के लिए, नेक्स्ट कोच के लिए साइड वॉल। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये पहले नीचे हमने माउंट दिखाया था आपको, साइड वॉल का माउंट बना हुआ था वहाँ पे, और ये अभी साइड वॉल के माउंट के ऊपर जो है वो शीट्स जो हैं वो यहाँ पे फिक्स हो रही हैं। अच्छा, एक ये नई बे में मैं आपको लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पे बेसिकली स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मिलिंग हो रही है उनकी, प्रेस मशीन पे काम हो रहा है, विंडो यूनिट्स बन रहे हैं, इसके अलावा और दीगर पार्ट्स भी हैं जो सारे कोचेस के अंदर यूज़ होते हैं। ये विंडो यूनिट है पड़ा हुआ, ये विंडो यूनिट बने हुए हैं, इसके अलावा ये कुछ बीम्स पड़े हुए हैं, बीम्स का काम हो रहा है, ये प्रेस मशीन का काम हो रहा है। साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बेसिकली हमारी जो है ये फैब्रिकेशन बे टू से कहते हैं, कंपोनेंट शॉप को बोलते हैं। जो कोच के अंदर स्मॉल कंपोनेंट लगते हैं वो सारे यहाँ फैक्ट्री होते हैं। यहाँ हम ड्रिलिंग करते हैं, यहाँ बेंडिंग होती है, ये डाई वाइट होता है, तमाम कंपोनेंट हमारे पास डाई है। ये छोटे जो पार्ट्स हैं ये हमारे, इसको बोलते हैं ट्रस बार काटर, जो बोगी में लगती है, ट्रस बार में लगती है, काटर लगती है, ये यहाँ पे हमारे पास इसकी डाई है, ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरीके से जितने स्मॉल पार्ट्स हैं सारे वो सारे यहाँ पे इस शॉप में मैन्युफैक्चर होते हैं। ये सारे पार्ट्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं। पैडिंग हाउस है ये आई थिंक रूफ के ऊपर जो बीम्स लगे रहते हैं ये वो बीम्स हैं। ये कुछ जालियाँ नज़र आ रही हैं, आई थिंक ये एसी के ऊपर जो जहाँ से वेंटिलेशन जो है वो वेंटिलेटर ये एसी के पार्ट हैं। जब एसी यूनिट आपको दिखाई ना वो चाइनीज वे में, हाँ जी, वो जो हम यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं ये उसके पार्ट हैं जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे हम खुद बनाते हैं ये पार्ट सारे। सही, और इस तरीके से वो निबलिंग हो रही है। ये भी देखते हैं क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ये कॉर्नरिंग कर रहे हैं बेसिकली इस ब्लेड की। दिस इज कॉल्ड निबलिंग। ये आपको डोर्स नजर आ रहे हैं उनकी में, सारे यहाँ पे प्रेस से ये बने हुए हैं डोर्स। ये प्रेस मशीन है सामने, ये डोर का आपको पूरी शीट नज़र आ रही है जिससे डोर बनता है। ये ग्रूविंग कर रहे हैं उसकी। ये इस वक्त मैं आपको CFI के अंदर बोगी सेक्शन में लेके आया हूँ, तो यहाँ हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या काम होता है। ये व्हील्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक्सल नज़र आ रहे हैं। साहब यहाँ बताएंगे यहाँ पे क्या काम होता है। ये हमारी बोगी शॉप है। सही है, बोगी शॉप है हमारी, यहाँ पे बोगी बनती हैं। बेसिकली हमारे पास से 3-4 तरह के डिज़ाइन हैं बोगियों के। सही है। एक तो BG64 है, जर्मन डिज़ाइन, जो सबसे ओल्ड डिज़ाइन है। सही है। उसके बाद 2002 के बाद जो हमारे पास प्रोजेक्ट आया था 175 कोचिज का, दैट इज कॉल्ड CWKB बोगीज, CRC बोगीज। सही है, दिस इज CRC बोगी। ये CRC बोगी है, ये CRC बोगी है 175 वाले प्रोजेक्ट की। अच्छा, और वो बोगी हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो ये है BG64 की बोगी, ये जर्मन डिज़ाइन बोगी है BG64। ये जर्मन डिज़ाइन है, ये जर्मन डिज़ाइन है, जर्मन डिज़ाइन है एंड मैन्युफैक्चरिंग इन CFI। इन CFI ये हम कंप्लीट बोगी बना सकते हैं, हमारे पास इसकी कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। सही, ये वाली बोगी हम कंप्लीट बना सकते हैं, ये वाली बोगी हम कंप्लीट बना सकते हैं CRC वाली, इसकी हमारे पास ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये सारी बोगी भी यहीं पे बनी हुई है, यहाँ पे CFI में बनी है। सही है, यार ये देख रहे हैं ये CRC बोगी है, ये भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। और उसके अलावा जो पहली बोगी मैंने आपको दिखाई थी जर्मन,
वो भी CFI के अंदर जो है मैन्युफैक्चर हुई है। ये पड़ी हुई है बोगियां, ये तैयार कर रहे हैं हम बोगी। ये आपको कंप्लीट बोगी जो है जर्मन बोगी वो आपको नज़र आ रही है तैयार हुई भी CFI में। बड़ा ज़ोर शोर से यहाँ काम जारी है और आने वाले दिनों में इस CFI के ऊपर बेसिकली कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का नाम है जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस पर लोड पड़ने वाला है क्योंकि ML1 जो है वो अप्रूव हो गया है और ML1 अप्रूव होने के बाद लाजमी सी बात है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो उसमें फ़र्क आएगा, ट्रेन बढ़ जाएंगी और ट्रेन के बढ़ने से जो कोचेज़ है उनकी मैनुफैक्चरिंग की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। ये सर क्या है? ये बेसिकली दरवाज़ा यहाँ पे कंप्लीट दरवाज़ा यहाँ पे बनता है, डोर सही है, साइड डोर एंड डोर ये यहाँ पे बनते हैं, वहाँ से प्लेटें बेंड होकर यहाँ आती हैं, यहाँ पे इसे कंप्लीट ये वेल्डिंग होती है, इसके कब्जे लगते हैं और ये दरवाज़ा हमारा जो कंप्लीट, ये कंप्लीट दरवाज़ा यहाँ से तैयार होकर जाता है। सर पहले हम आपको फैब्रिकेशन शॉप्स के अंदर लेके गए थे, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स और बोगियों की जो है वो फैब्रिकेशन हो रही थी, कटिंग हो रही थी और फ्लोर्स बन रहे थे, रूफ़ और वॉल्स बन रही थी। अभी हम आपको ये वुड मशीन शॉप का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फर्निशिंग शॉप्स हैं, तो जहाँ वुड वर्क्स होता है उसके अलावा यहाँ पे पेंट जॉब है, उसके बाद यहाँ पे फर्निशिंग जॉब है। तो अभी ये दो तीन जो शॉप्स हैं ये भी मैं आपको यहाँ विज़िट करवाता हूँ। वुड कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो साथ साथ बताएंगे ये कौन सी लकड़ी है जो यहाँ पे काटी जा रही है? ये बेसिकली केल वुड है, केल वुड हम जो फोर्ज के अंदर यूज करते हैं, ये केल वुड यूज करते हैं यहाँ, ये बेसिकली वुड सेक्शन है, तमाम जो फोर्ज का वुड वर्क होता है वो सारा यहाँ पे होता है, डोर बनते हैं फोर्ज के इंटरनल, जहाँ जहाँ लकड़ी यूज होती है वुड यूज होती है वो यहाँ पे बनती है। ये आई थिंक टॉयलेट का जो है वो गेट बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो टॉयलेट पे लगा हुआ होता है। ये भी टॉयलेट का गेट है इसके, यहाँ पे फिटिंग हो रही है इसको। ये डिफरेंट गेट्स जो हैं, ये पार्लर का गेट आपको नज़र आ रहा है और ये भी पार्लर का गेट है, ये सारे गेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। आपको सीट्स जो हैं वो इकोनॉमी क्लास की सीट्स नज़र आ रही हैं बनी हुई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है अभी, ये लेके आ रहे हैं इसको। यहाँ पे ये सीट जो है वो
उनकी पोशिश वगैरह का काम हो रहा है, लेदर रेड के साथ उसके ऊपर पोशिश की जा रही है। सर यहाँ बताएंगे कि ये वुड शॉप के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं? वुड शॉप है, पूरी कोच के अंदर जो भी वुड वर्क होता है कैरीड आउट इन वुड शॉप। यहाँ पे हम दरवाजे बनाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की कोचिज होती हैं, एसी कोचिज होती हैं, इकानमी होती हैं, चाइनीज होती हैं, जर्मन होती है, उन तमाम के जो दरवाजे बनते हैं वुड वर्क होता है, जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं दरवाजे, लेबोरेटरी में दरवाजे यूज़ होते हैं, जो बिजनेस क्लास में लगते हैं स्लाइडिंग डोर वो यहाँ बनते हैं। इसके अलावा ये सीटें अगर आप देख रहे हैं, ये इकानमी क्लास की सीटें ये यहाँ पे बनती हैं, और ये तमाम ये सीट लेके टेबल, ये टेबल यहाँ पे बनते हैं, वाईफाई फ्रेम यहाँ पे लगते हैं, ये तमाम वर्क जो है यहाँ पे होता है। सही, ये आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे बन रही हैं। अभी हम पेंट शॉप के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे पेंट होता है कोचेस को और पैनल्स को और डोर्स वगैरह को, वो आपको दिखाएंगे। ये आपको नज़र आ रही हैं बोगियाँ और कोचेस, ये कंपाउंड हुआ हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर पेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। ये पेंट शॉप है, उस्मान साहब ये हम पेंट शॉप में आए हुए हैं, तो आप हमें यहाँ के थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि यहाँ कैसे काम होता है और एक कोच ऑलमोस्ट कितने टाइम में हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे? फैब्रिकेशन से जब शेल रिसीव होता है इसका तकरीबन 3 वीक्स का टोटल प्रोसेस है। शेल आता है, उसकी जो रॉ फॉर्म है उसको सफाई करते हैं थिनर से, उसके डिफरेंट ऑयल पुटी कहते हैं, उसके थ्री लेयर वो लगते हैं, फिलर पुटी फिर इसमें लगती है, इसमें अपना रबिंग का प्रोसेस है, उसके बाद जो है अंडर कोट, फिनिशिंग कोट, इस सारे प्रोसेस में 3 वीक्स का जो है ना हमारा प्रोसेस है। मकसद 3 वीक्स में आप कह रहे हैं कि एक कोट जो है वो कलर होके कंप्लीट हो जाती है, फिनिशिंग तक जाना, फिनिशिंग हो जाती है 3 वीक्स के अंदर? 3 वीक्स के अंदर। सही है, ये आपको डोर्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर कंपाउंड हुआ हुआ है, अभी इसके ऊपर कलर, इनको हम प्राइमर लगाते हैं ताकि सही है एंटी कोरोजन और रस्ट से बचाने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर पुटी के अपने लेयर है, ये हमने हमारी फाइनल असेंबली शॉप है इंटीरियर के लिहाज से। ये भी हम फाइनल असेंबली शॉप के अंदर हैं आए हुए, तो यहाँ आप ये देख लें, ये कोचेज जो हैं इनको प्राइमर लगा हुआ है और इसको भी पेंट होना है, पुटी लगी है। ये आपको गाइस नज़र आ रहा है, ये फुली रिफर्बिश्ड कोच है इकोनॉमी क्लास की। सिर्फ सिंगल सीट इसमें रह गई है लगने वाली। ये आपको कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हालत में, आप इस पर कलर होना है, अभी ऑयल पुटी इस पर लगा हुआ है और फाइनल पेंट जो है उसका रहता है, या फिर इसका इलेक्ट्रिक का काम जो है वो बचा हुआ है। बाकी हम इसहाक साहब से पूछेंगे, वो हमें बताएंगे कि जो कंप्लीट पेंट जॉब है वो कितने टाइम में ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये पावर वैन खड़ी हुई है, ये न्यूली पेंटेड है, तो इसहाक साहब बताएंगे कुछ हमें पेंट जॉब के बारे में। हाँ, अभी जो आपने पेंट शॉप में देखा है उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। जो एक कोच है वो जब उसका शेल बॉडी आती है फैब्रिकेशन शॉप से फर्निशिंग विंग में मूव होती है पेंट शॉप में, सबसे पहले पेंट शॉप में आती है, उसमें प्राइमर लगता है, प्राइमर के बाद उसमें 3 लेयर ऑयल पुटी की लगती हैं, फिर उसके बाद उसकी रबिंग होती है जिसे आम जबान में रगड़ाई कहते हैं, रबिंग के बाद इस पर 2-3 प्रोसेस और होते हैं, अंडर कोट होता है, फिर एट द एंड इस पर फिनिश कोट होता है। और ये तमाम जो पेंट का प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट 17 डेज to 21 डेज लेता है, क्योंकि इसमें जो हम प्राइमर लगाते हैं उसका क्योरिंग टाइम होता है, ड्राई टाइम चाहिए होता है, उसके बाद आई पुट्टी लगाते हैं उसके लिए 24 आवर का ड्राई टाइम है, इसी तरीके से सेकंड जब कोट लगाते हैं, ये टाइम जो पेंट का प्रोसेस है डेट डिपेंड अपॉन द टाइम,
इसको हमें टाइम देना पड़ता है। ओके, इस पर भी आप देख रहे हैं, ये जर्मन डिज़ाइन कोच है, ऑयल पुटी इस पर लगा हुआ है, और अभी हम आपको फाइनल जो कोट है पेंट का वो आपको दिखाएंगे, जिस पे वो लेकर होके फाइनल हो। ये आपको सामने कोच नज़र आ रही है, 11417। तो भाई साहब इसके बारे में बताएंगे। हाँ, ये जो अब ये फर्निशिंग विंग है, पेंट के बाद पेंट और फर्निशिंग का काम साथ साथ होता है, एक्सटीरियर पेंट का वर्क होता है, इंटीरियर फर्निशिंग का काम होता है। तो ये फर्निशिंग में अंदर इसके जब वहाँ से शेल बॉडी आता है, उसके बाद इसमें सीटें लगती हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा, सही, ये जर्मन डिज़ाइन के कोच में आपने देखा अंदर सीटें लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं। अब इसका फाइनल कोट होना रह गया है, तो अब ये ऑलमोस्ट 21 to 25 डेज लेता है फॉर कम्पलीशन, टू कम्प्लीट वन कोच इन फर्निशिंग विंग। सही, फर्निशिंग विंग में काम कम्प्लीट होने के लिए 24 से 25 दिन लगते हैं, जो एक उसके बाद नेक्स्ट डे हर 2 दिन के बाद एक कोच तैयार होती है। इस तरह हमारा वहाँ से जब शेल आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने में हमारी 10 से 11 कोचेज की कैपेसिटी जो हम बनाते हैं यहाँ से फर्निशिंग से आउट होती है, तो 10 कोचेज पर मंथ हमारी यहाँ से कैपेसिटी है यहाँ से कोचेज आउट करने की। ओके, वंडरफुल। और जब हम उसकी विंडो लगाते हैं तो उसमें वेल्डिंग प्रोसेस होता है। अब हम ये एट द एंड हम ये चेक करते हैं कि आया कोई वर्डिंग में कोई गैप तो नहीं रह गया, कोई मतलब होल तो नहीं रह गया कि जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। चेक होती है कि आया बारिश में, जब अगर तो बारिश में गई तो बारिश अंदर तो नहीं आएगी। ये मूवमेंट करता है कोच, इसके ऊपर कोच आती है, ये कोच को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ले जाता है। सही है। इस वक्त मैं हाई स्पीड कोचेस वर्कशॉप के सामने मौजूद हूँ, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि अंदर ये किस किस्म की बेज है। बेसिकली इस वक्त हम बेजीरो में खड़े हैं, ये बेजीरो 2005 में बना था। हमने यहाँ पे चाइनीज कोचिज के 2 प्रोजेक्ट किए हैं, 175 कोचिज पर 202 कोचिज का। उससे पहले ये जो फैक्ट्री थी ये 1970 में बनी है, विद द कोलेब्रेशन ऑफ जर्मन लिंक हाफमैन बुश, उसकी कोलेब्रेशन से बनी, 1970 में बनी है। 97 से लेकर 2002 तक हम यहाँ पे जर्मन कोचिज टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे। आफ्टर दैट जब हमने यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया चाइनीज का, तो ये बना था और इसका इनॉग्रेशन जनरल प्रोग्राम अशरफ साहब ने किया था 2006 में। अच्छा, ये वाला जो बे है चाइनीज बे जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ पे किस किस्म की कोचेस का? बेसिकली ये चाइनीज कोचेस यहाँ पे चाइनीज टेक्नोलॉजी का हमने ये किया। आप यहाँ पे देखिए ये तमाम जो जिग्स एंड फिक्चर्स हैं ये लगे हुए चाइनीज कोचेस। ये क्या चीज़ है? ये फिक्स्चर फॉर हेड स्टॉप, ये बेसिकली अंडर फ्रेम होता है हमारी कोचेस के, जहाँ पे तमाम जो आपके जिग एंड फिक्चर बने हुए, ये हेड स्टॉक का हेड स्टॉक जहाँ पे वेल्ड होता है, फिर उसके बाद हेड स्टॉक यहाँ से फिक्चर हेड स्टॉक के हैं, साइड वॉल का है। ये बेसिकली आम अगर सादा लफ्जों में बताएं तो ये कौन सी जगह है, ये क्या चीज़ है? ये कोच के नीचे पार्ट होता है, वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किसको कहते हैं एस्ट्रा। सही, ये वो चीज़ है। ये तमाम फिक्चर यहाँ पे मौजूद है, ये तमाम फिक्चर जो है ना चाइनीज टेक्नोलॉजी के। अच्छा, यहाँ पे अभी इस बे में चाइनीज बे जिसको आप कह रहे हैं, इस बे में टोटल कितनी कोचेज अभी तक हम बना चुके हैं यहाँ पे? इस बे में ऑलमोस्ट 2 प्रोजेक्ट हमने किए हैं, 175 के और 202 के कोचेज बनी है। 175 में ये 35 से 40 कोचेज यहाँ बनी है, और जो CKD थी कुछ CBU आई है, कुछ CKD हमने बनाई थी। जो 202 कोचिंग का प्रोजेक्ट है, 2012 में बनाया, वो ऑलमोस्ट 75 to 80 कोचिज यहाँ पे आपने यहाँ पे बने। हाँ, यहाँ पे चले आगे देखते हैं। और उसके अलावा जो लेटेस्ट अभी 2016 and 2017 में हमने यहाँ पे जो हॉपर वैगन की बोगी ब्रेक वन है, वो 25 बोगी ब्रेक वन का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे कम्प्लीट किया। अच्छा, ये कुछ आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, ये आप बताएंगे ये कहाँ पे? हाँ, ये हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, मशीन शॉप है, टूल शॉप है, जो हमारी जर्मन कोचिज की लगती है। ये तमाम जो चीज़ें ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब यहीं पे। ये मशीन शॉप है, वहाँ पे बनती है, फोर शॉप है, टूल शॉप है, जी जितने भी स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये हम अपनी मशीन शॉप में बनाते हैं और ये अपनी कोचेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हम मुगल पूरा वर्कशॉप को भी सप्लाई करते हैं, और पाकिस्तान रेलवे के जो डिवीजन हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी उनको ये मटीरियल हम सप्लाई करते हैं, यही बना। अच्छा इसहाक साहब, ये जो पड़े हुए हैं कंप्रेसर मुझे टाइप नज़र आ रहे हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं, आप बताएंगे क्या चीज़ है ये? बेसिकली ये जर्मन कोच के AC यूनिट है। AC यूनिट बेसिकली जर्मन कोच के न्यू आते थे, तो ये हम इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने न्यू परचेज किए हैं,
और ये खुद हम रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। हम जो ऐसी कोचेज बनाएंगे तो हम यहाँ पे उनको रिपेयर करके उन कोचेज में लगाएंगे। तो ये बेसिकली ये जो पड़े हुए हैं ये पार्ट बेसिकली ये इसके पार्ट्स हैं, ये हमने न्यू परचेज किए हैं। जब कोचेज के जो कोचेज फील्ड से आई हैं जिनके एसी यूनिट काम नहीं कर रहे थे, खराब हो गए थे, उनको हम दोबारा यहाँ पे रीहैबिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एसी जो है उसके ये पार्ट्स हैं। एसी जो कोचेज में एसी लगते हैं, हमारी एसी बिजनेस कोचेज होती हैं, एसी स्टैंडर्ड होती हैं, उनमें लगते हैं, उनके ये पार्ट्स हैं जो न्यू परचेज किए हमने, जबकि इनको हम रिपेयर करते हैं यहाँ पे रिपेयर होते हैं। ये हमारी सीम वेल्डिंग मशीन है। ये हमारी कोचेज के साइड वाल पे साइड पे जो आप देखें कोच की जो साइड वाल है वो यहाँ पे वेल्ड होती है। हमारे पास सीम वेल्डिंग मशीन है, अंदर हो रहा है काम, उस पे हो रहा है, अंदर देखते हैं अंदर चल के। ये बन के ना प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रही है, वो वेल्ड कर लें। ये देखें ये प्रोडक्ट है, ये आपको शॉर्ट में नज़र आ रहा होगा एसी की, यहाँ पे एसी के ऊपर काम हो रहा है बेसिकली। ये भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है? कनेक्शन कर रहे हैं एसी के। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये सीम वेल्डिंग मशीन की बे है, यहाँ पे वेल्डिंग का जो काम होता है वो साग साहब से पूछते हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अच्छा साग साहब, यहाँ पे ये वेल्डिंग होती हुई नज़र आ रही है, ये बताएंगे कि क्या हो रहा है बेसिकली? ये हमारी जो चाइना की कोच है उसकी साइड वाली। अच्छा एक सेकंड में रुक जाएं, आम आदमी को समझने के लिए आप बताएंगे कि जो चाइना की कोच आप कह रहे हैं वो कौन सी कोच होती है बेसिकली? चाइना की कोच है, अगर आप कोच से चलते हुए देखें तो ये कोच की जो साइड वाल होती है बॉडी वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सही है, जो कोच आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी दैट इज चाइनीज कोच, वो जो जिसमें थोड़ा कर्व है दैट इज जर्मन मॉडल। तो ये बेसिकली डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं? हाँ डिज़ाइन की कोच, मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली वो डिज़ाइन दोनों हैं, मतलब स्ट्रेट भी बन रही है और कर्व भी बन रही है। ये जो है ये अब जर्मन कोच की साइड वाल बना रहे हैं। और ये साइड वाल की कटिंग हो रही है शीट की? कटिंग नहीं हो रही, दिस इज वेल्डिंग। अच्छा ये ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट अब दो कोचेज को जोड़ रहे हैं। सही है, कन्वेंशनल वेल्डिंग से हट के ये सीम वेल्डिंग मशीन है, ये उसको ये वेल्ड कर रहा है। इसमें बिल्कुल प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है, आप देखें आपको जोड़ मामूली से नज़र आता है कि ये वेल्डिंग नज़र नहीं आती, वरना वेल्डिंग से आप देखें तो उसमें कन्वेंशनल जो वेल्डिंग है दैट इज दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वेल्डिंग, दिस इज सीएनसी वेल्डिंग मशीन। ये बेसिकली सीएनसी वेल्डिंग मशीन है और ये दो शीट्स को जोड़ के एक बनाया है, जोड़ती है। सही है, और ये शीट किस जगह पे यूज होती है? ये वाली शीट जो है ये शीट कोचों के साइड पे, ये साइड वॉल है, साइड वॉल, ये बेसिकली साइड वॉल। और आउटर वॉल है ये? आउटर, आउटर होती है साइड वॉल। सही है, मकसद हमें जो बाहर से येलो और ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा होता है बेसिकली वो ये शीट, है। सही है, थैंक यू। अभी हमने अंदर जो दो शीट्स जो हैं आपस में वेल्ड होती भी देखी थी वो ये शीट्स हैं जो वेल्डिंग बेस से निकल के जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो बेसिकली ये साइड वॉल्स हैं जो कोचेस के साइड पे आपको नज़र आती हैं लगी हुई, जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उसका साइड से, ये वो शीट्स हैं। तो ये असेंबली लाइन के ऊपर यहाँ से वेल्ड होके अगले शॉप में जो हैं जा रही हैं, जिस पर आगे फिर मज़ीद इस पर काम हो। अच्छा इसहाक साहब एक चीज़ बताएं कि हमने ये वेल्ड होती भी देखी थी शीट्स अंदर, तो आप मुझे ये बता दें कि ये टोटल कितनी शीट्स होती हैं जिनको मिला के एक कोच बन जाता है? बेसिकली एक कोच में आप देखें तो दो साइड वॉल यूज़ होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एक साइड वॉल में 17 शीटों को हम जोड़ते हैं तो एक साइड वॉल बनती है। अच्छा 17 शीट्स, 17 शीट्स की वेल्डिंग यहाँ पे होती है एक साइड वॉल के लिए। सही है। अच्छा इसहाक साहब इस शॉप के बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है? ये जो आपने अभी साइड वॉल की शीटें देखी ना वो बेसिकली यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोच की साइड वॉल बनती है चाइनीज कोच की। सही, ये साइड वॉल है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, ये एक तो बेसिकली ये एक वो है, दो यहाँ पे फिक्चर है, ये फिक्चर है साइड वॉल, फिक्चर है, ये फिक्चर है साइड वॉल के, इस पे वो मकसद माउंट कर देते हैं। साइड वॉल यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये फिक्चर होते हैं हमारे जिग फिक्चर है, ये को पकड़ते हैं और उसके बाद फर्दर जो उसके प्रोसेस होता है, उसकी विंडो बननी होती है, जो भी प्रोसेस होता है वो फर्दर यहाँ पे होता है। सही, यहाँ पे साइड वॉल उसकी बनती है, यहाँ से साइड वॉल बन के फिर आप आगे मैं आपको दिखाता हूँ असेंबली फिक्चर। ये बेसिकली दो फिक्चर होते हैं बेसिकली, एक लेफ्ट होता है फिक्चर फॉर साइड वॉल, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, दिस इज लेफ्ट राइट एंड दैट इज लेफ्ट। तो ये वाला जो है यहाँ पे लेफ्ट वाली शीट आगे माउंट हो जाएगी और सामने वाली बे के ऊपर जो है वो राइट वाली शीट जो है माउंट हो जाएगी। ये साइड रूफ फिक्चर की एक
शॉप है, इसके बारे में बताएंगे? ये बेसिकली जो रूफ होती है उसका फिक्चर है। अच्छा, जो पार्ट हर कोच का पार्ट सेपरेटली बनता है, साइड वॉल अलग बनती है, रूफ अलग बनती है, एंड अलग बनते हैं, अंडर फ्रेम अलग बनता है, तो हर चीज़ जो है वो फिक्चर में बनती है। अब इसी तरीके से सिंगल में ये आप देख लें, ये वाला। अच्छा, ये बेसिकली जो साइड रूफ, साइड रूफ किसको कहते हैं? ये रूफ नहीं है बेसिकली, जो छत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये कोच की। हाँ, रूफ दो तरह के होते हैं ना। अब रूफ को अगर आप देखें तो एक मैन उसकी रूफ होती है, एक साइड रूफ होती है। जो साइड रूफ है उसका फिक्चर ये है, जो मैन रूफ है उसका फिक्चर वो वाला फिक्चर है। अच्छा, वो आगे वाला मेन रूफ का फिक्चर है, मेन रूफ का वो भी देख लेते हैं। ये आपको फिक्चर नज़र आ रहा है, ये मेन रूफ का फिक्चर है, जहाँ पे पैसेंजर कोच की जो रूफ है बेसिकली उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है इस वाली शॉप के ऊपर। सामने आपको पुराना एक बिजनेस क्लास का कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पे रीहैब होने के लिए आया हुआ है। अच्छा, इसाक साहब बताएंगे कि ये कौन सा है डिपार्टमेंट? ये बेसिकली अंडर फ्रेम का फिक्चर है, यहाँ पे अंडर फ्रेम बनता है। अंडर फ्रेम आप देखें कि जिसके ऊपर कोच का फ्लोर वगैरह होता है, ये वो फिक्चर है, वो यहाँ पे बनता है पे। अच्छा, जो ये कोच का आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये उसका फ्लोर है, जो जिसके ऊपर फ्लोर लगता है, जिसके ऊपर फ्लोर लगता है। हाँ, जिसके ऊपर फ्लोर, जिसके ऊपर कोच पूरी बनती है, अंडर फ्रेम इसे बोलते हैं। अच्छा इसाक साहब, ये क्या स्ट्रक्चर है जो ये बेसिकली अभी जो आपने देखा है अंडर फ्रेम वहाँ पे बनता है, उसके बाद अंडर फ्रेम को जब वहाँ मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद उसको वेल्डिंग के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। ये बेसिकली रोटेट करता है आपका अंडर फ्रेम, आप इसे फिक्स करते हैं, ये देखें आप स्ट्रक्चर, ये रोटेट करता है। पहले एक साइड से उसकी वेल्डिंग होती है, फिर दूसरी तरफ से उसकी वेल्डिंग होती है, ये बेसिकली रोटेशन के लिए फॉर वेल्डिंग ऑफ अंडर फ्रेम। अच्छा इसाक साहब, इस माउंट्स के बारे में बताएंगे, ये कौन सी जगह है? बेसिकली अभी आपने जितने भी फिक्चर देखे हैं, वो एंड का हो, साइड का हो, अंडर फ्रेम का हो, रूफ का हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने के बाद जो उनकी फाइनल असेंबली होती है, दैट इज़ द असेंबली फिक्चर फॉर शेल कार बॉडी, जिसे आप कोच की कार बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे साइड वाल यहाँ पे आएगी, आके अटैच होगी, अंडर फ्रेम आएगा, साइड वाल आएगी, रूफ आएगी, तमाम जितनी आपकी चीज़ें बनती हैं फिक्चर्स में उन सबको यहाँ पर माउंट किया जाता है, एक एज अ एक कार बॉडी शेल बनता है यहाँ पर। This is called basically assembly fixture. तो बेसिकली जब फाइनल शक्ल में कोच आ रही होती है, उसका स्ट्रक्चर आ रहा होता है, वो यहाँ पे आके वो यहाँ आके बनता है। फाइनल जो आपका शेल बनता है, जिसे कार बॉडी कहते हैं या कोच कहते हैं हम, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये आपको चाइनीज कोच नज़र आ रही है, फॉर CFI इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आई हुई है। एक और केज कोच नज़र आ रही है, ये भी CFI में रिपेयर होने आई हुई है। उसके बाद ये एक और कोच है, ये बर्न हुई भी नज़र आ रही है किसी एक्सीडेंट की वजह से, ये भी यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। तो काफ़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम जारी है CFI में। मिनिमम कैपेसिटी में यहाँ पे जितना काम हो सकता है वो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये पावर वैन थी जो किसी हादसे का शिकार हो गई है। अच्छा फ़ाहर साहब, ये CNC प्लानो मिलिंग मशीन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम होता है, किस किस्म की मिलिंग होती है यहाँ पे? जी, हमारी पूरी फैक्ट्री में सबसे जो है ना वो इम्पॉर्टेंट मशीन है। इसमें हमारी जो नीचे बोगी होती है कोच के नीचे, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो बनते हैं, उनमें ड्रिलिंग, उनमें मिलिंग, उनके काम होते हैं, और जो कम्प्लीट बोगी है
उसका काम भी जो है ना वो इसी बोगी पे इसी मशीन पे होता है। ये हमारी है मशीन है CNC प्लेनो मिलिंग मशीन हमारी है। सही है। इस पर हम ड्रा बार हुक बनाते हैं, उसके अलावा सारे जितने भी प्रोसेस हैं मिलिंग के ड्रिलिंग के वो सारे इस मशीन में करते हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है और इससे जितने भी काम हैं डाइस जितनी बनती हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्ट्स वो डाइस सारी इधर ही रिपेयर होती हैं और नई भी। तो बेसिकली ये मिलिंग मशीन है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली मिलिंग मशीन है। सर इसके बारे में बताएंगे, ये हुक नज़र आ रहा है बेसिकली जॉइंटर है दो कोचेस का, बिल्कुल। तो ये कहाँ पे बनाया है? जी हमारी पहले फोर्शाह में इसकी फोर्जिंग हुई है, ये जो प्रोसेस है फोर्जिंग का वहाँ पे हुआ है। उसके बाद हमारी ये जो CNC प्लेनो मिलिंग मशीन है यहाँ पे आके हमने इसको ये ड्रिल किया है एज पर अपनी जो ड्राइंग है उसके मुताबिक। फिर उसके बाद इसको ये वाला जो ड्रिल है होल है इसको भी हमने एज पर ड्राइंग जो है वो इस पर ए सी मशीन के ऊपर बने हैं। इसका भी साइज के ये 64 कर दिया, ये डाउन कर दिया, ये साइज इसके जो है इसी भी। अच्छा इसाक साहब, ये पीछे एक नज़र आ रही है एक मशीन, इसके बारे में बताएंगे ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो हमारी बोगी बनती है जिसके ऊपर कोच आपकी रन करती है, ये जब वो बनती है उसके बाद लोड डाला जाता है उस पर। इसको बेसिकली बोगी स्टैटिक कंप्रेसिव टेस्ट मशीन कहा जाता है। उस पर लोड डालते हैं, आया देखते हैं कि बोगी जो है वो होम तो नहीं हो गई। हम अपनी जबान में होम बोलते हैं कि बोगी बैठ तो नहीं गई, मतलब ये आया जब आपकी पूरी कोच उसके ऊपर आएगी ये उसका लोड बियर करेगी या नहीं करेगी, ये बेसिकली वो टेस्ट किया जाता है बोगी बनने के बाद। अच्छा इसाक साहब, ये मुझे कोई रूफ टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसका माउंट, आप बताएंगे इसके बारे में ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली 2016 और 2017 में हमने प्रोजेक्ट किया था बोगी ब्रेक वन का, जो रेलवे ने कोयले के लिए हॉपर वैगन परचेज़ की थी उनके साथ बोगी ब्रेक वन लगती है, गार्ड कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें ब्रेक भी होती है गार्ड भी होता है जो सबसे एंड में लगी भी होती है। हाँ बेसिकली ये बेसिकली 25 हमने यहाँ बनाई थी, ये उनका रूफ का ये उनका माउंट है, ये उनका फीचर है। गाइस आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपने मालगाड़ी के एंड पे जो सबसे एंड पे एक कंपार्टमेंट लगा हुआ होता है जिसको बेसिकली ब्रेक वैन भी कह रहे होते हैं, तो ये उसका माउंट है वो यहाँ पे बना है। अच्छा आपने हमें सारा चाइनीज़ बे जो है ये विज़िट करवा दिया है, इसमें सारी चीज़ें भी आपने हमें दिखाई हैं, पर मुझे जो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली ये क्लोज डाउन लग रहा है मुझे, तो इसका क्या वजह, काम नहीं हो रहा यहाँ पे या क्या है? बेसिकली ये है आपका नई कोचेस के लिए, यहाँ पे जितने भी आपने देखे हैं ये चाइनीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू कोचेस है। हमने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, एक 175 का एक 202 का। अच्छा ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़, ये जो 175 और 230 कह रहे हैं आम आदमी किसकी समझ नहीं आएगी वो बताएंगे आप? ये बेसिकली 2002 में हमने चाइना के साथ एक माहदा किया था, हमने उनसे 175 कोचेस परचेज की थी, उनमें कुछ सी बी यू थी कुछ CKD थी, अब कुछ हमने यहाँ बनाई थी और वो 2002 से मतलब स्टार्ट हो गया था, 2005-06 में हमने वो कोचेज यहाँ पे। तो बेसिकली ये तादाद है जो 175 जब हम बोलते हैं दिस इज द क्वान्टिटी ऑफ कोचेज जो हमने उनके साथ किया था। फिर 2012 में हमने एक चाइना के साथ माहदा किया था 202 जिसे हम कहते हैं, 202 का मतलब है कि 202 कोचेज का एक माहदा किया था, वो यहाँ पे बनी है। बेसिकली ये जितने भी आपने देखें पिक्चर देखें ये फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू कोचेज है, न्यू कोचेज है। अब इसमें हमने 2005-06 में काम किया वो प्रोजेक्ट चला, उसके बाद 2012 से लेकर 2015-16 तक हमने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, उसके बाद 2016-17 में हमने बोगी ब्रेक 25 बोगी ब्रेक वन नई यहाँ पर बनाई। अब हमारा अगर न्यू प्रोजेक्ट होता है जो कि अंडर प्रोसेस है, मे बी वो इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट होगा 230 कोचेज़ का, वो जब आएंगी तो वो हम यहाँ से उसका हम यहाँ पे करेंगे। बेसिकली आजकल हम जो कर रहे हैं जर्मन कोचेज़ पे काम कर रहे हैं, वो अच्छा जर्मन कोचेज़ के बारे में बताएंगे, ये उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बेसिकली? बेसिकली हमारे पास दो तरह की कोचेज पाकिस्तान रेलवे में चलती हैं, एक जर्मन कोचेज़ हैं एक चाइनीज़ है। जो रेलवे ये कैरिज फैक्ट्री बनी थी ये बनी थी बेसिकली फॉर जर्मन डिज़ाइन के लिए, जर्मन कोचेज़ के लिए बनी थी, जो 1970 से बन गई थी, 1970 से लेकर अब तक इसमें जर्मन कोचेज़ नहीं भी बनती रही हैं, फिर हम यहाँ पर रिहेबिलिटेट करते रहे। रिहेबिलिटेशन के डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, 450 वाला 400 वाला, और उसके बाद ये जो बे है दिस इज सेपरेट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चाइनीज कोचेज। अच्छा इसाक साहब आपने माशाल्लाह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे विजिट करवाई हैं उनके बारे में बताया है, एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, पाकिस्तान में ML1 का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो गया है, अब आपको पता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा कोचेज जो हैं वो उसकी डिमांड भी होगी और रेलवे जो है प्रोक्योरमेंट करेगा, तो
उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि CFI की जो है वो क्या कैपेसिटी है, वो बिग कैपेसिटी में काम कर सकेगी जब डिमांड बढ़ेगी? अगर ये नया प्रोजेक्ट आता है तो दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोचिज के, कितनी कोचिज ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो 230 का चल रहा है, 230 कोचिज का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दें, टोटली अभी यहाँ तक न्यू कोचेज कितनी बन चुकी हैं? यहाँ पे 2000 प्लस 2200-2300 नई कोचेज हैं, और इससे ज्यादा ही ऑलमोस्ट 2200-2400 हमने रिहैबिलिटेट किए हैं। ऑलमोस्ट 4300-4400 कोचेज हम न्यू प्लस रिहैबिलिटेट कर चुके हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और स्टैंडर्ड के बारे में आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे हमारा सेटअप है। मैं वर्क्स मैनेजर हूँ, मेरा काम है यहाँ पे कोचेज मैन्युफैक्चर करना। हमारे साथ मेरे साथ एक ग्रेड 18 की प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट होती है, जो जिसके पास क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सेक्शन है, जो क्वालिटी कंट्रोल को देखता है तमाम क्वालिटी फैब्रिकेशन से लेके फाइनल पहुँच होने तक, वो तमाम अश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल को। उसके बाद फाइनल को चेक होती है, और डिवीजन से जो कंसर्न डिवीजन हमारा इंस्पेक्टर होता है, ग्रेड 18 का ऑफिसर होता है, DME, उसकी टीम आती है, वो आता है, जब फाइनल आके देखता है, कोचेज टेस्ट होती हैं, वो पास करता है तो कोचेज यहाँ से आउट होती है। सही। और मेरा अब आखिरी और लास्ट सवाल आपसे है कलर के बारे में। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ग्रीन और वाइट या ऑफ वाइट कलर, फाइनली आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ये हम इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं जाते, कोई जिद्दत क्यों नहीं लेके आते, और यार कौन ये सिलेक्ट करता है कलर, किसकी चॉइस होती है? ये बेसिकली इसकी तो पहली बात ये है कि हमारे पास जो स्टॉक की कोचेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 1500-1600 प्लस कोचेज हैं जो हमारे सिस्टम में चल रही हैं। तमाम का सेम कलर है। अब वो कलर चेंज करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हम करते हैं, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द के हमारा सीम ही ऑफिस है जो ये सारा सजेस्ट करता है। अगर वो चाहें इनका कलर स्कीम चेंज करने की, तो वहाँ से अप्रूवल आती है। फिर उसका ये होता है कि फर्ज करें जैसे 230 कुछ चीज़ नहीं आ रही हैं, उसके कलर स्कीम अगर ये चेंज करेंगे कि हम जनाब अब ग्रीन और ये क्रीम नहीं रख रहे, हम ग्रीन और वाइट रख रहे हैं, या ग्रीन और ब्लू रख रहे हैं, जो भी है वो कोचिज अब नहीं आएंगी, तो अकॉर्डिंगली हमें हेडक्वार्टर से अप्रूवल आती है, फिर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं पेंट की, तो वो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर ये हेडक्वार्टर से अप्रूव हो जाता है, हमें आता है कि कलर स्कीम चेंज करनी है, ये नेशनल लेवल का इशू है, अगर वो चेंज करना चाहें हमें अप्रूवल, हम CME के अप्रूवल के बगैर हम यहाँ पे एक पेज भी नहीं लगा सकते, वो अप्रूवल हमें भेजता है CME ऑफिस, वो अप्रूव होती है, उसके बाद जो भी कलर हो, जो चीज़ डिसाइड हो, वो हम करते हैं, वो हम बाउंड हैं उसकी ऑर्डर को पे करने के। इसहाक अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और CFI का विज़िट कराया। थैंक यू वेरी मच।